दोस्तों नमस्कार, टीवी वन इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लोक नेता गणेश नाइक ने आज घनसौली के रानकर आली में विधायक निधि से तैयार गजेबो का लोकार्पण किया। इसका निर्माण पूर्व एमएलए संदीप नाइक के विधायक निधि से किया गया है। पूर्व मंत्री ने इस गजेबो का लोकार्पण करने के बाद तमाम रहवासियों को सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि हमने सदैव विकास को प्राथमिकता दी है और यही वजह है कि हमें नवंबईकरों का पिछले 25 वर्षों से लगातार प्यार मिल रहा है। देखिए रिपोर्ट। घनसौली के रहवासी इलाके रानकराली में इस गजेबो का निर्माण पूर्व एमएलए संदीप नाइक की विधायक निधि से किया गया है। पूर्व मंत्री गणेश नाइक ने इसका लोकार्पण करते हुए इसे एक अच्छी सुविधा बताया। तमाम नागरिकों का सम्मान करने के बाद बीजेपी विधायक ने सधे हुए अंदाज में विरोधी दलों पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि विरोधी दल कहते हैं कि हमने नवंबई का विकास नहीं किया। उन्होंने पूछा कि आखिर एसटीपी किसने बनवाया, 24 घंटे पानी का इंतजाम, गार्डन, स्कूल, तालाबों का सुशोभीकरण, सीमेंट की सड़कें किसने बनवाई। उन्होंने कहा कि हम प्रशासन की भूमिका को नहीं नकारते, लेकिन जनता यह सब जानती है कि विकास किसने किया। गणेश नाइक ने कहा कि हम नवंबईकरों की समस्याओं के समाधान और शहर के समग्र विकास के लिए दिल से कोशिश कर रहे हैं। महाविकास आघाड़ी नेताओं के आरोपों का जवाब देते हुए गणेश नाइक ने कहा कि विरोधी दल चाहे लाख कोशिश कर लें, लेकिन नवंबई की जनता सदैव गणेश नाइक के साथ रही है और मनपा चुनाव में भी अपना प्यार जरूर देगी। उन्होंने वादा किया कि अगले 5 साल कोई टैक्स नहीं बढ़ेगा। घर पट्टी और पानी पट्टी नहीं बढ़ने वाली। 20 साल पहले मैंने बोला था प्रॉपर्टी टैक्स और वाटर टैक्स नहीं बढ़ने वाला। 2020 को मेरा वादा पूरा हुआ। अभी 21 में बोल रहा हूँ मैं, 2025 तक घर पट्टी और पानी पट्टी नहीं बढ़ने वाला। कि मैं विनम्रता के पूर्वक बोल रहा हूँ कि 1997 में भी कई साथी मुझे छोड़ के गए, मैंने उनका भलाई चाहा। 2000 में कई साथी चले गए, 2005 में गए, 2010 में गए, 2015 में गए, 2020 में भी गए और 2021 में भी गए। लेकिन 1995 से लेके 2020 तक कोई फर्क पड़ा नहीं, प्लस माइनस होते रहा। मैं विनम्रता के साथ बोलूँगा कि आने वाले कॉरपोरेशन के इलेक्शन में भी महाविकास आघाड़ी हो या बहुत बड़ी 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 आघाड़ी हो, कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं। जो इच्छा गणेश नाइक की समाज सेवा की है, नई मुंबई की जनता के प्यार के बलबूते पे, उनके आशीर्वाद के बलबूते पे, जो कॉरपोरेशन में कॉरपोरेटर की संख्या महापौर बनने के लिए और स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन बनने के लिए जरूरत की है, उतनी संख्या नई मुंबई की जनता जरूर गणेश नाइक के माध्यम से भारतीय जनता पक्ष को देने वाली है और यहाँ पे भारतीय जनता पक्ष का ही महापौर बनेगा, उसमें कोई शक नहीं। इस अवसर पर सुनील रानकर महाराज, पूर्व नगर सेवक घनश्याम मढ़वी, केशव पाटिल, चेतन पाटिल समेत तमाम पदाधिकारी और सैकड़ों समर्थक भी मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।